हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केके टेक। आप ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम जूम ऐप की मदद से अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर एम्प्लॉयज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे अपने जूम ऐप को यूज करना है। सबसे पहले आपने zoom.us पे जाना है, ये जूम ऐप की वेबसाइट का नेम है। आपने यहाँ पे जाके सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट इज फ्री। उसके बाद कुछ प्लान है इनके, अगर आप लेना चाहते हो, मीन्स मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 40 मिनट्स तक लेक्चर लेना है या मीटिंग लेनी है या प्रेजेंटेशन लेनी है, देन इट्स टोटली फ्री और अराउंड 100 मेंबर्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा मीटिंग करना चाहते हैं तो आपको अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, बट अगर आप 40 मिनट्स और 100 मेंबर्स तक करते हो तो इट्स टोटली फ्री। नाउ स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने किसी मीटिंग को ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस भी मीटिंग को आपने ज्वाइन करना है उस मीटिंग की आईडी आपने फिल कर दी। ये आईडी आपको जिसने मीटिंग स्टार्ट करी होगी या जिसने शेड्यूल करी होगी मीटिंग, वो आपको मीटिंग आईडी प्रोवाइड करेगा। आपने वो मीटिंग आईडी यहाँ पे फिल करनी है और ज्वाइन पे क्लिक कर देना, तो आप उस मीटिंग आईडी मीटिंग में एंटर हो जाओगे। नेक्स्ट इज, अगर आपने कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है तो हाउ टू शेड्यूल योर मीटिंग, क्लिक ऑन शेड्यूल मीटिंग, तो आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएंगे। इसमें आप टॉपिक लिखते हो, जैसे मैं टॉपिक लिख देता हूँ YouTube। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि उस आपकी जो मीटिंग है वो किस रिलेटेड है, तो अबाउट एजुकेशन पर्पस। अब उसके बाद आपने कब मीटिंग लेनी है आप उसके बारे में लिख दो, जैसे आज 2 तारीख है, आप 2 तारीख 3 तारीख को करनी है तो आप 3 तारीख मेंशन कर सकते हो। उसके बाद किस टाइम पे स्टार्ट करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा हुआ 1 आवर के लिए, अभी तो वो शेड्यूल कर देगा बट बेसिक प्लान में वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाते। अगर आप देखो तो 40 मिनट्स टाइम लिमिट ऑलरेडी लिखा हुआ है उस पर। अगर आप उससे बड़ी मीटिंग करना चाहते हो तो ये देखिए मीटिंग पासवर्ड आ रहा है, तो अगर आपने रिक्वायर मीटिंग, अगर आप मीटिंग पासवर्ड नहीं रखना चाहते हो तो इसको अनचेक कर दो, तो मीटिंग पासवर्ड नहीं आएगा। उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं कि वीडियोस किस किस की आनी चाहिए। अब वीडियो ऑन करनी है होस्ट की, मीन्स आपकी वीडियो, और पार्टिसिपेंट की ऑफ रखनी है तो आप उसको ऑफ रख सकते हो। उसके बाद ऑडियो आपने कहाँ से यूज़ करनी है, टेलीफोनिकली जो डायल करते हैं या कंप्यूटर ऑडियो, ये आपके पास ऑप्शन है, आप जिस मर्जी ऑप्शन से उसको यूज़ कर सकते हो और अपनी जो सेटिंग्स है उसको सेव कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, आगे आपने जो मीटिंग शेड्यूल कर ली है वो आपकी अपकमिंग मीटिंग्स में शो होगी, ये आपको मीटिंग्स में जाके ऑप्शन मिल जाएगा। प्रीवियस मीटिंग में आपके सारे जो ऑलरेडी आपने मीटिंग्स करी होगी उसका रिकॉर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेटिंग्स। सेटिंग्स में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको करने ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर वीडियो। अब होस्ट वीडियो ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, वो पार्टिसिपेंट वीडियो कैसी होनी चाहिए आपकी। और नेक्स्ट इज ऑडियो टाइप, आपको मैंने बता दिया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके मीटिंग के वो आपसे पहले ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग को या नहीं, तो अगर आप उनको अलाउ करते हो कि वो आपकी मीटिंग से पहले, आपसे पहले मीटिंग को ज्वाइन कर ले तो आप इसको ऑन कर दो। नो नेक्स्ट इज आपको पासवर्ड चाहिए रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अगर आप उसको अनचेक कर देते हो तो वो पासवर्ड हट जाएगा। सेमली शेड्यूल मीटिंग के लिए हो गया। नेक्स्ट इज इंस्टेंट मीटिंग के लिए क्या पासवर्ड चाहिए, ये भी आपकी इच्छा है आप रखना चाहते हो या नहीं। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मोर थिंग, म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री। जब पार्टिसिपेंट्स आपके ज्वाइन करते हैं तो कई बार डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आई प्रेफर कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट रखें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको एनेबल कर देना है।
नेक्स्ट चैट, क्या आप अपने पार्टिसिपेंट को एक दूसरे के साथ या आपके साथ चैट करने की अलाउ करते हो या नहीं करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो आप इसको अनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज फाइल ट्रांसफर। यू कैन ट्रांसफर द फाइल ऑल्सो, आप अगर नहीं अलाउ करना चाहते हो तो इसको बंद कर सकते हो। अब कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ ऐसे पर्सन हैं जो मेरे से पूछते हैं कि जूम ऐप में कैसे हम पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन शेयरिंग पे जाके पहले तो, अगर तो आप चाहते हो कि कोई भी ना कर पाए, नॉट इवन होस्ट एंड पार्टिसिपेंट, तो आप इसको डिसेबल कर दो। बट अगर आप चाहते हो कि आप कर सको, होस्ट ओनली कैन डू, तो आपने क्या करना है, शेयर पे होस्ट ओनली कर दीजिए और पार्टिसिपेंट का रिमूव कर दीजिए, देन क्लिक ऑन सेव। तो कोई भी पार्टिसिपेंट कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज एनोटेशंस। एनोटेशंस होती हैं जो टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप वाइट बोर्ड पे, या फिर अगर आपने कोई स्क्रीन शेयर करी हुई है उस पर कोई बॉक्स बनाना है या कुछ ड्रॉ करके दिखाना है, तो वो चीज़ें होती हैं। मैं आपको जब नेक्स्ट पॉइंट पे बताता हूँ तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। तो ये एनोटेशंस आपने ऑफ करनी है, ऑन करनी है, इट्स डिपेंड ऑन यू एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज, ये आगे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब जो मेन इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद आपने ये चेंजेस सेव कर देनी है और आप अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, अब इसके बाद रिकॉर्डिंग्स आते हैं। रिकॉर्डिंग्स क्या होता है कि अगर आप अपना लेक्चर या फिर अपनी प्रेजेंटेशन या आप अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो इसमें ये भी ऑप्शन है। अब मैं आपको जब मीटिंग स्टार्ट करता हूँ तो उसमें दिखाता हूँ, वाइल वीडियो ऑन। अगर आप इसे अभी मैं मीटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो ऑन करने के साथ या फिर ऑफ करने के साथ, तो मैं इसको विद वीडियो ऑफ स्टार्ट करता हूँ अभी। ये मेरे से पूछेगा कि आपने जूम ऐप ओपन कर लिया, तो जूम ऐप ओपन करने से पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास जूम ऐप नहीं है डेस्कटॉप पे या फिर आपके लैपटॉप में, तो आपने क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हो, तो जस्ट आई क्लिक ऑन ओपन जूम। अब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, ये जूम ऐप के सर्वर के साथ मेरे को कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा कि आपने जो ऑडियो है वो कैसे लेनी है, तो अभी मैं कुछ भी इस पर क्लिक नहीं करूँगा। तो अगर आपने करना है तो आप ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, तो आपके कंप्यूटर के साथ अगर स्पीकर लगे होंगे, ये माइक्रोफोन लगा होगा, और अगर आपके लैपटॉप में इनबिल्ट स्पीकर माइक्रोफोन है तो आप उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये स्क्रीन आ गई है, इनवाइट अदर्स। मैंने अगर किसी फ्रेंड को या मेंबर्स को इनवाइट करना है तो आई कैन डू फ्रॉम दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज, अगर मैंने कोई स्क्रीन शेयर करनी है तो मेरे को शेयर स्क्रीन पे क्लिक करना है और ऑडियो पे। अब यहाँ से आप देखिए ऑप्शन है स्टार्ट वीडियो का, अगर मैंने वीडियो ऑफ करना है तो ये क्रॉस का साइन आएगा, अगर मैंने ऑन करना है तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरी वीडियो ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो ऑन हो गई है। अब मैं फिर से इसको ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे मैनेज पार्टिसिपेंट्स में आपके पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं। अगर आपने सेटिंग्स में कुछ चीज़ें ऑप्शंस नहीं रखा हुआ है तो आप इसमें अपने मेंबर्स को म्यूट कर सकते हो, सबको अनम्यूट करना है, और कुछ ऑप्शंस होते हैं कि पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट या म्यूट कर सकते हैं या अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज सबसे इम्पॉर्टेंट है चैटिंग। अगर आप किसी अपने मेंबर के साथ चैट कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि कोई भी अभी चैट ना करे, तो आपने यहाँ पे एवरीवन, जहाँ पे ये थ्री डॉट्स है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो पार्टिसिपेंट कैन चैट विद नो वन पे क्लिक कर दोगे तो कोई भी पार्टिसिपेंट चैट नहीं कर पाए। नाउ नेक्स्ट इज स्क्रीन शेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्क्रीन शेयरिंग का। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, या आप स्क्रीन शेयर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी फाइल्स अभी आपकी खुली होगी बैकएंड पे, तो वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, वाइट बोर्ड, उसके बाद
जो आपने स्क्रीन अभी यूज कर रहे हो, उसके बाद क्रोम खुला हुआ है मेरा, एक मेरा फोल्डर खुला हुआ है, एक टॉरेंट खुला हुआ है। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ क्रोम पे, तो वो क्रोम की स्क्रीन मेरे साथ शेयर करना शुरू कर देगा। सभी पार्टिसिपेंट के साथ ये स्क्रीन शेयर होनी शुरू हो गई है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पॉज भी कर सकता हूँ, स्टॉप भी कर सकता हूँ, और एनोट यहाँ से मैं इस ऑप्शन से अगर मैंने कुछ यहाँ पे लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, ड्रॉ करना है, तो मैं कर सकता हूँ। और आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो आप ऐसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपने किसी स्पेसिफिक लाइट चीज को हाईलाइट करना है तो स्पॉटलाइट की मदद से आप कर सकते हो। कुछ लिखना है टेक्स्ट सिंपल तो आप लिख सकते हो। माउस ऑप्शन यूज करना है तो आप कर सकते हो। क्लियर करना है, क्लियर में तीन ऑप्शन होते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग, क्लियर माई ड्राइंग्स एंड व्यूज ड्राइंग। व्यूअर जो आपके जो पार्टिसिपेंट है, उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो आप उनको क्लियर कर सकते हो। तो मैं अगर ऑल ड्राइंग पे क्लिक करूंगा तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशंस। अगर आप ये डिसेबल कर दोगे तो कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे कुछ नहीं लिख पाएगा आपकी स्क्रीन शेयर। अगर आप रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो, इसका शॉर्टकट भी है ऑल्ट प्लस आर, तो आपकी मीटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये ऑप्शन आपको नीचे भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम स्टॉप शेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं चैट के साथ लास्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड का। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी मीटिंग रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं कि जो जूम ऐप के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको कुछ नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू।